हाय देयर एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे फ्लीट मैनेजमेंट की वैकेंसी और आप उसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फ्लीट मैनेजमेंट काफ़ी बड़ी कंपनी है, इट्स अ मैनेजमेंट कंपनी जो उसके नाम से ही पता चलता है। तो उसमें कुछ वैकेंसीज आ रखी है। ऑब्वियसली दीज वैकेंसीज इज़ फॉर एक्सपीरियंस्ड वन ओनली। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आप देख सकते हैं, आपकी मर्जी है। अदरवाइज जो वीडियो है ये, जो जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है, सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट देखते हैं हम किस किस चीज़ के लिए, कौन कौन सी डेजिग्नेशन के लिए इन्होंने वैकेंसीज दी है। तो आप देख सकते हैं ये 1 सितंबर को पोस्ट करा है फ्लीट मैनेजमेंट ने ऐड फॉर देयर वैकेंसी। सो लेट्स लुक इनटू द वैकेंसीज। एज यू कैन सी ज्वाइन अस एट फ्लीट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। सो दिस इज़ द वैकेंसीज दे हैव मैंशनड ऑन देयर एडवर्टाइजमेंट फ्लीट मैनेजमेंट। सो वैकेंसीज केमिकल टैंकर के लिए है, ऑयल टैंकर के लिए है और एलएनजी टैंकर्स के लिए है। और इसमें ये सिर्फ ऑफिसर लेवल की वैकेंसीज हैं। पहला जो पहले पार्ट में दे रखे है, ये सिर्फ ऑफिसर लेवल के लिए है। तो मास्टर के लिए, चीफ ऑफिसर के लिए, चीफ इंजीनियर के लिए, सेकेंड इंजीनियर के लिए, देन इंजीनियर विद ME इंजन एंड RTF फ्लेक्स। ओके, तो ये पहला सेक्शन जो है ऑफिसर्स के लिए। देन फिर रेटिंग्स के लिए भी वैकेंसीज अवेलेबल है फ्लीट मैनेजमेंट में भी। तो AB के लिए है एंड मोटरमैन विथ COP। तो एज यू कैन सी एक्सपीरियंस के लिए ही है ओनली। इसमें ट्रेनी OS या OS को भी मेरे ख्याल से अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं। वैकेंसीज नहीं आ रही है फिलहाल, बट ट्रेनी OS के लिए तो आती नहीं है, OS के लिए आती है। बट फिलहाल अभी AB के लिए आ रखी है, मोटरमैन के लिए आ रखी है। अभी AB विथ COP, COP आपको कब मिलती है, जब आप फर्स्ट सेल वॉच कीपिंग निकालते हैं, फिर 2 सेल और करते हैं, उसके बाद आप जो है COP निकलती है। तो आफ्टर 3 सेलिंग यू विल गेट योर COP। सो ये मतलब 3 सेलिंग का एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट यहाँ पे मांग रहे रेटिंग्स के लिए। फिर चीफ कुक विद MLC COC एंड पंपमैन एंड फिटर। तो दीज आर द वैकेंसीज। अब आप अप्लाई कैसे करेंगे इसके लिए, इनकी वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट ये है www.fleetship.com। ओके, सो लेट्स गो टू देयर वेबसाइट एंड सी हाउ टू अप्लाई। सो दिस इज देयर वेबसाइट। ओके, ऑन गूगल जस्ट टाइप फ्लीट मैनेजमेंट लिमिटेड एंड दिस इज देयर वेबसाइट। सो एज यू कैन सी हेयर दे हैव रिटन द सी फेयरर्स। तो यहाँ सी फेयरर्स के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो फिर ये थोड़ा सा अपनी कंपनी का ओवरव्यू दिखाएंगे। लाइक 26 ईयर्स हो गए हैं कंपनी को, फिर 20,000 सी फेयरर्स काम कर रहे हैं इस कंपनी में। और ये थोड़ा सा मतलब अपना ब्रोशर टाइप का दिखा रहे हैं कि सेकंड लार्जेस्ट बल्क कैरियर मैनेजर है फ्लीट मैनेजमेंट, 600 वेसल्स है, 13 क्रूइंग ऑफिसेज हैं, फिर सेकेंड लार्जेस्ट टैंकर मैनेजर है। तो ऐसे करके ये थोड़ा सा ओवरव्यू उन्होंने दिखा रखा है। अब अगर आप करियर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाएंगे लाइफ एट फ्लीट, कुछ ऑप्शंस हैं। लाइफ एट फ्लीट, करियर्स एट सी, सेल विद फ्लीट ऐप एंड करियर्स ऑन शोर। तो ये तो थोड़ा ओवरव्यू देंगे कि फ्लीट में कैसी आपकी लाइफ रहेगी अगर आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है। फिर ये करियर्स एट सी, तो ये सी फेयरर्स के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे जाके आप वैकेंसीज देख सकते हैं। फिर ये सेल विद फ्लीट ऐप, ये इन्होंने एक अपना पर्सनलाइज्ड ऐप निकाला है जिसको मतलब जिसके थ्रू आप डायरेक्टली कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। और ये करियर्स ऑनशोर है, तो ये आपको देखने की जरूरत नहीं है। ऑनशोर मींस जो लैंड पे लोग जॉब प्रोवाइड करते हैं। सो अभी हम देखेंगे करियर्स एट सी। सो करियर्स एट सी में हम अगर नीचे जाएं तो यहाँ पे इन्होंने वैकेंसीज मेंशन करी हुई है। अभी देखिए, मास्टर के लिए दी हुई है, फिर चीफ इंजीनियर केमिकल टैंकर के लिए, ये मतलब ऑफिसर कैटेगरी के लिए, चीफ ऑफिसर केमिकल टैंकर के लिए, सेकंड इंजीनियर। और इन्होंने कुछ ऑप्शंस भी दिए उसमें नीचे, जैसे व्यू डिटेल्स, जॉब के लिए डिटेल्स, वो मतलब बताएंगे इसमें कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए और कौन कौन सी वेसल्स में सेल करा होना चाहिए, ऐसे ऐसे करके डिटेल्स रहेंगी इसमें। फिर ये फॉरवर्ड टू अ फ्रेंड, मतलब ये ईमेल का लिंक दिया होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने दोस्त को ये वैकेंसी शेयर कर सकते हैं। फिर ये अप्लाई इन पर्सन, अभी हम इन ऑप्शंस में जाएंगे, पहले देख लेते हैं क्या क्या वैकेंसीज हैं। फिर ये मास्टर ऑयल टैंकर के लिए हैं, ऊपर केमिकल टैंकर के लिए थी।
मास्टर चीफ इंजीनियर, चीफ ऑफिसर और सेकंड इंजीनियर केमिकल टैंकर के लिए थी। अब ये ऑयल टैंकर के लिए है, सेम 4 रैंक्स। बाकी जो इन्होंने रेटिंग्स की इसमें मेंशन करी है ये वैकेंसीज, ये अपने एडवर्टाइज यहाँ पे वेबसाइट में इन्होंने नहीं शो करी है, बट आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगा कैसे आप अप्लाई करेंगे। पहले देख लेते हैं ये ऑप्शंस में क्या क्या है। अब जैसे अगर हम अप्लाई इन पर्सन्स में जाएंगे, तो अप्लाई इन पर्सन मीन्स आप फिजिकली ऑफिस में जाएंगे और अप्लाई करेंगे, ये होता है अप्लाई इन पर्सन। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप नियर बाय रह रहे हैं किसी भी ऑफिस के, उनके ब्रांचेज में, ब्रांचेज के नियर बाय, तो आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। अब इनकी ब्रांचेज देखते हैं कहाँ कहाँ पे है ऑफिस की। जैसे ये पहली मुंबई में है, फिर दिल्ली में है, फिर कोची में है, फिर कोलकाता में है, फिर चेन्नई में है, वाइजैक, पटना, चंडीगढ़, लखनऊ, मनीला, फिलीपींस, चाइना, डायलान, डेलियन, इंडिया, राजस्थान। तो इन इन जगहों पे इनके सेंटर हैं। अगर आप यहाँ पे नियर बाय कहीं पे रह रहे हैं, ये एड्रेस इन्होंने मेंशन करा है और टेलीफोन नंबर दिया है फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, एंड ईमेल आईडी दी है जिस पे आप अपना रिज्यूमे मेल कर सकते हैं। ठीक है, जो अगर आपने कोई रिज्यूमे प्रिपेयर करके रखा है अपना जॉब अप्लाई करने के लिए, तो ये इनकी मैनिंग की ईमेल आईडी होती है, आप इस पे जो है अपनी जो पर्सनल ऑफिशियल ईमेल आईडी है उससे मेल कर सकते हैं अपना रिज्यूमे टू अप्लाई। ओके, सो दैट वाज इन द ऑप्शन अप्लाई इन पर्सन। अब ये है अप्लाई वाया आवर ऐप, तो ये इन्होंने एक ऐप निकाला हुआ है, इस ऐप के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे आप? द नेम ऑफ द ऐप इज सेल विद फ्लीट ऐप, तो ऐप का नाम सेल विद फ्लीट ऐप है और ये दोनों स्टोर्स में अवेलेबल है, ऐप स्टोर एज वेल एज गूगल प्ले स्टोर। तो अब मैं तो ऐप स्टोर वाला हूँ, आपका गूगल प्ले स्टोर में देखते हैं ये कैसा दिखता है ऐप, लोगो वगैरह। इसमें इंस्टॉल तो नहीं होगा सिस्टम, क्योंकि मैं लैपटॉप में चला रहा हूँ, तो ऐसा कुछ इसका आइकन होगा। ओके, सेल विद फ्लीट, और अब इसमें रिव्यूज़ देखते हैं। कुछ लोगों ने रिव्यूज़ लिखे हैं जिन्होंने इंस्टॉल करा होगा ऐप। कांट ऐप वेरिफिकेशन ईमेल एंड लिंक प्लीज ऑल्सो फिक्स। ओके, सीवी ऑप्शन, एवरी टाइम अप्लाई टू फिल एंड अटैच ऑल डॉक्यूमेंट अगेन प्लीज पुट ऑप्शन टू मेक सीवी एंड अटैच डॉक्यूमेंट वंस। ओके, आई अप्लाई दिस बट इंडिया मुंबई नेहरू ब्रांच ऑफिस ओनली, कॉल ऑफिस पर्सन ओनली से सेंड द रिज्यूमे ऑन माई ऑफिस ईमेल आईडी आफ्टर नो बडी कॉल, व्हेन आई कॉल द कंपनी नो बडी रिसीव द फोन, ऑफिस पर्सन रिप्लाई 3 एंड मोर टाइम्स ऑल आफ्टर। ओके, सो दीज आर देयर फ्यू क्वेरीज, जो कंप्लेन्स है ये लोग मेंशन करते हैं, और इनके कमेंट्स को लाइक भी मिला हुआ है, क्योंकि किसी और के साथ भी यही सेम प्रॉब्लम हो रही होगी, दैट्स वाई सेम जो 21 पीपल्स को भी सेम प्रॉब्लम आ रही होगी, तो उन्होंने दैट्स वाई लाइक करा हुआ है। बाकी और देखते हैं अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो। ओके, काफ़ी रिव्यूज़ है, मतलब काफ़ी लोगों ने वेरी गुड ऐप, फ्लीट बेस्ट थिंकिंग, यूजफुलनेस इज टॉप नॉच, आई कांट एबल टू लॉग इन, ग्रेट ऐप बट कांट साइन अप। ओके, सो थोड़े से ऐप्स में बग्स वगैरह रहते हैं, बग्स मीन्स प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो वो टाइम बाय टाइम अपडेट दे के ऐप्स जो है उसको रिजॉल्व कर देते हैं, जो जिन्होंने ऐप डेवलप करा है वो ये बग्स फिक्स कर देते हैं, सो नो नीड टू वरी। अब मैं आपको आईओएस स्टोर में दिखाऊंगा, मैंने इंस्टॉल कराया है ऐप, तो आप उसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रेटिंग बैकग्राउंड से हैं या ऑफिसर बैकग्राउंड से हैं, तो एक तो आप यहाँ इन पर्सन जो इन्होंने ऑप्शन दिया था वैसे कर सकते हैं, अदरवाइज ऑनलाइन आप मेल भी कर सकते हैं जो इन्होंने ईमेल आईडीज प्रोवाइड करी है, और ऐप के थ्रू आप कैसे करेंगे तो वो मैं आपको अपनी फ़ोन की स्क्रीन पे दिखाऊंगा। सो दिस इज़ देयर ऐप सेल विद फ्लीट, आई एम यूजिंग दिस ऐप ऑन आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, तो एप्पल के फ़ोन में मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो आपका जो इंटरफेस होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, पता नहीं, आप चेक कर लीजिएगा। सो दिस इज़ द होम पेज ऑफ देयर ऐप, अभी इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, अप्लाई नाउ, साइन अप, लॉग इन एंड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर कंपनी एंड अबाउट अस। सो पहले हम अप्लाई नाउ पे जाके देखते हैं, विल गो विथ फर्स्ट ऑप्शन। तो इसमें इन्होंने वर्क विद अस में 3 ऑप्शन दिए हैं, क्विक एप्लीकेशन, फुल एप्लीकेशन,
एन एप्लीकेशन हिस्ट्री। तो क्विक एप्लीकेशन में अगर आप जाएंगे तो आपको कोई आईडी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, साइनअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे इन्होंने स्टेप बाय स्टेप दिए हुए हैं, अब देखते हैं कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट अपनी रैंक करनी पड़ेगी। जैसे मैं डेक रेटिंग ट्रेनिंग के लिए कर रहा हूँ तो मैंने वो सेलेक्ट कर रखी है, और अवेलेबल डेट मैं आज की डाल देता हूँ, 6 सितंबर 2021। ओके, आर यू विलिंग टू एक्सेप्ट लोअर रैंक? अब ट्रेनी से नीचे तो कोई रैंक होती नहीं है, बट स्टिल आई विल से येस। ब्रांच ऑफिस नियर बाय, मैं दिल्ली डाल दूंगा। अगर दिल्ली में नहीं है तो मुंबई देखते हैं। ओके, विल गो विद अंधेरी वन, देन नेक्स्ट। अब यहाँ पे टेल अस अबाउट योर सेल्फ, यहाँ पे शायद फ़ोटो, हाँ यहाँ पे फ़ोटो अटैच करने के लिए कह रहे हैं। फिर यहाँ पे आपका नाम, यहाँ पे लास्ट नेम, नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ। आई कैन बी रीच्ड एट, अच्छा यहाँ पे मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी, और अगर आप यूएस वीज़ा होल्ड करते हैं या नहीं करते हैं। अगर यस करेंगे तो फिर उसके लिए डेट ऑफ एक्सपायरी आ जाएगी, और लेट्स सी। काश, ओके देखते हैं कैसे करते हैं। ओ सॉरी, दैट वाज द मिडिल नेम। नाउ नेशनैलिटी विल सेलेक्ट इंडियन। ओके, डेट ऑफ बर्थ वी हैव टू सेलेक्ट, फर्स्ट विल गो विद ईयर। ओके, सॉरी दे, या 18, सो दैट इज़ द डेट ऑफ बर्थ, डन। देन आई कैन बी रीच्ड एट रीजन कोड, यू डोंट हैव टू फिल, जस्ट पुट हेयर योर मोबाइल नंबर, देन दे विल सेंड यू वेरिफिकेशन कोड ऑन योर लाइक OTP। सो लाइक दैट यू हैव टू कंटिन्यू एंड यू हैव टू कम्प्लीट ऑल द स्टेप्स टिल एंड, देन यू कैन, इट मीन्स योर प्रोफाइल हैज़ बिन क्रिएटेड इन देयर कंपनी। आपकी फ्लीट मैनेजमेंट कंपनी में जो है प्रोफाइल बन चुकी है और आप अप्लाई कर चुके हैं। तो दैट वॉज़ द क्विक एप्लीकेशन ऑप्शन। अब फुल एप्लीकेशन में देखते हैं क्या है। फुल एप्लीकेशन में आपको ईमेल आईडी डाल के, यहाँ पे पासवर्ड डाल के और अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, और अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो यहाँ लॉगिन पे क्लिक कीजिए, लॉगिन हो जाएगा। ऐसे करके आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं आप। तो हमने कोई अभी एप्लीकेशन करी नहीं है, डाली नहीं है, तो कुछ हिस्ट्री में आएगा नहीं। और वो साइन अप जो प्रोसेस है वो आप यहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते हैं, फर्स्ट पेज से। ये उन्होंने काफ़ी कंफर्टेबल ऑप्शन दे दिया है एक अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप फ्लीट मैनेजमेंट में सेल करना चाहते हैं और अपना लक आजमाना चाहते हैं तो आप जो है ऐप के थ्रू वेरी इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप इनके ऐप के रिव्यू में डाल सकते हैं, तो वो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अदरवाइज़ जो उन्होंने ईमेल आईडी प्रोवाइड करी है उस पर अपना CV आप सेंड कर सकते हैं। दैट्स इट। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।